सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। रेप इन इंडिया वाले बयान जो राहुल गांधी ने दिए उसके बाद से लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारे में एक तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है। कल जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर धावा बोला था, उसके बाद राहुल गांधी ने मोदी का, नरेंद्र मोदी का ही एक वीडियो ट्वीट करके ये कहा कि मोदी जी पहले ही ये बातें बोल चुके हैं। आज रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी साफ तौर पे चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आखिर क्यों सावरकर का नाम ले रहे हैं इस माफीनामे के बीच में? वो राहुल गांधी जो राफेल के मामले में 4 बार माफी मांग चुके हैं, वो इस मामले को लेकर के वीर सावरकर का नाम क्यों ले रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं? ये पूरी कहानी जानेंगे हम। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है वो सावरकर की कहानी जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। देखिए, सावरकर को भाजपा ने काफ़ी समय से, मैंने अटल जी के समय से ही अपनाया है। उसके पहले तो एक तरह से उनसे दूरी बना के रहते थे, लेकिन अब जितना शोर मचने लगा है वो मुझे लगता है कि उस बेचारे आदमी के लिए जिसका एक दौर तो बहुत ही शानदार रहा है, उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाला ही है। क्योंकि जितनी सच्चाइयाँ उनके सामने आ रही हैं और आती जाएंगी, वो उनकी प्रतिष्ठा को कम करेगा। अब यही प्रसंग कि उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगना मुझे लगता है कि अगर किसी से गलती हो रही है तो माफ़ी मांगना कोई चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और माफ़ी मांगने से आदमी बड़ा ही होता है, कोई उससे छोटा नहीं होता है। लेकिन माफ़ी स्वार्थ के लिए मांगी जाए, इवन जान बचाने के लिए भी मांगी जाए, तो मैं मानता हूँ कि एक हद तक वो माफ़ किया जा सकता है उसको। लेकिन आप उसको एक स्वार्थ के तौर पर इस्तेमाल करिए और फिर उसके बाद अपनी पॉलिटिक्स करिए, फिर जिससे माफ़ी मांगी उससे पेंशन लीजिए, फिर जिससे माफ़ी मांगी उसकी पॉलिटिक्स चलाइए, मुल्क में जो जो वो कह रहे हैं उस तरह से करिए। तो सावरकर ने ये सब किया है, तो अब जितनी बातें सावरकर के बारे में आएंगी वो उतनी उनकी प्रतिष्ठा को गिराएगी। राहुल और पीएम के बयानों का मामला है, रेप का मामला है, मैं तो कहूँगा कि रेप को इतना ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत भद्दा लगता है अगर इस तरह के क्राइम को आप इस तरह से आसमान पर उठाएंगे और पार्लियामेंट को इस तरह से बंधक बनाएंगे और फिर उसमें रेप कैपिटल से लेके रेप इन इंडिया टाइप बयान देना शुरू करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नासमझी का मसला है। ये तो मतलब एकदम संवेदनशील मुद्दा है जिसपे कम से कम हर एक राजनीतिक पार्टी को एक मंच पे होना चाहिए। इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो किसी के द्वारा भी की जाए वो उसकी निंदा ही होनी चाहिए, लेकिन इसका क्या करेंगे? आज से 7-8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो वो भी दिल्ली को रेप कैपिटल बताते हैं और राहुल, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार होती है तो उस सरकार की निंदा करते हैं। आज राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं तो राहुल गांधी मोदी सरकार की निंदा के लिए उसी मुद्दे को उठाते हैं। जिस मुद्दे को लेकर के सारी पार्टियां एक जगह आकर के और कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, वहां इस तरीके की ओछी राजनीति कह सकते हैं इसको, ओछी राजनीति है ही। रेप को इस तरह का मसला नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि मैं जानता हूं इसी मुल्क में इसी जगह पे 50 ऐसे मामले हैं कि जो रेप की विक्टिम है उसने खुद से बढ़ के आगे आंदोलन का नेतृत्व किया और उसका मानना ये है कि रेप को इतना ढकोसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेप भी एक अपराध है और जैसे क्राइम बाकी चीज़ों से डील करता है वैसे रेप से भी डील करे, सख्ती से डील करे, उसमें कोई ढील किसी के लिए ना हो। लेकिन उसको इस लेवल पे ले जाना कि मुल्क का राजधानी का किस्सा सब उससे जोड़ना, ये अपनी जगह है। और आज एक नया पक्ष आप कह रहे हैं कि नया पक्ष उसमें जोड़ा राहुल गांधी ने, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गांधी हैं तो ये भी गलत ही कह रहे हैं। ये वो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी हूँ, मैं राहुल सावरकर नहीं। ठीक है, तो गांधी माने वो गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी अलग गांधी हैं और सावरकर तो निश्चित रूप से नहीं है। क्योंकि सावरकर का जो इतिहास है, सावरकर का इतिहास 2 पेज का है। पहला पेज बहुत ही शानदार है, लेकिन दूसरे पेज में उन्होंने सचमुच 4 बार माफ़ी मांगी। उनको जितनी पेंशन मिलती रही अंग्रेज़ी हुकूमत से, किससे माफ़ी मांगी थी उन्होंने? अंग्रेजी हुकूमत से माफ़ी मांगी, अपनी जान बचाने के लिए माफ़ी मांगी। उतने तक भी मैं कहता हूँ कि माफ़ी किसी को मिलनी चाहिए अगर किसी को जान की मुश्किल पड़ी हो, लेकिन फिर वो नायक मुल्क का बन जाए, आज़ादी की लड़ाई का नायक बने, वो फिर बड़े बड़े षड्यंत्र करे। गांधी की हत्या का षड्यंत्र अगर अम्बेडकर, उसमें नाम उनका है और कपूर कमेटी की रिपोर्ट
में ये नाम सीधा आया है, या उस समय भी उनके लिए शक जाहिर किया गया था, बल्कि उस समय संघ बचा इसीलिए कि हिंदू महासभा से कनेक्शन उसका जुड़ गया और संघ से नहीं जुड़ा, हिंदू महासभा के नेता वही थे। और ये काफ़ी अभी, बल्कि एक और किताब अभी गांधी मार्ग ने उसको आगे किया था, उस किताब से तो ये लग रहा है कि गांधी और अम्बेडकर सावरकर का टकराव काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और सावरकर कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ने के होड़ में थे, और जब लीडरशिप के होड़ में नहीं टिके तो फिर उन्होंने मारने का षड्यंत्र रचा। ये जिन्ना से भी हम देखते हैं कि गांधी और जिन्ना के बीच भी एक होड़ चलती रहती है कि दोनों एक गुजरात के एक इलाके से आए और जिन्ना को लगा कि पूरे मुल्क का नेता बने, फिर जब पूरे मुल्क का नेता नहीं बन पाए तो एक इलाके का नेता बन के ही खुश हो गए। वो मुल्क बटा, उसमें कितने लोग मरे, कितने काटे गए, कितने विस्थापित हुए, इसका कोई उनको लिहाज नहीं है। और फिर हमारे यहाँ भी जो लोग उनसे सहमत हुए, तो इसलिए सावरकर अगर कुछ करते हैं उसके बाद, रिहाई के बाद और माफ़ी के बाद, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं। और उस समय का किया हुआ उनका लगभग वही दिखाई दे रहा है जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और आपको बड़े मज़े से 30 के दशक के बाद ये दिखाई देगा, जब नमक सत्याग्रह ज़बरदस्त सफल हुआ, हालांकि बहुत दमन हुआ, कि उसके बाद ऐसे सारे ग्रुप, माने लीग, हिंदू महासभा या हिंदू फंडामेंटलिस्ट जितने कहिए वो, कम्युनिस्ट, रजवाड़े, इस तरह के जितने लोग हैं, ये सब आंदोलन के खिलाफ, इवन गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी, तो ये सब आंदोलन के खिलाफ हुए। और 42 में बाजाब्ता इनकी गोलबंदी हुई, लेकिन मुल्क के लोग एक अलग लाइन पे चलते रहे। तो इसलिए उस धारा के किसी आदमी को आप नायक चुने तो ये आपके धारा की कमजोरी तो है, लेकिन कायदे से आप उसी को स्वीकार करिए। अरविंद मोहन आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, हो नहीं सकते थे। तो हम इस बात का गुमान करें, हम तो गांधी से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, हम तो नेहरू से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, हम तो जो भी हमारे नायक थे हम तो मानते हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहे थे और हम उनकी संतान हैं। तो फिर अब बेमतलब किसी और को पकड़ ले आना और पकड़ के ऐसे नायक को ले आना, अब वो कुछ चीज़ों में आपकी अभी की पॉलिटिक्स को सूट करता होगा, ये राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बदतर स्थिति संघ परिवार की और बीजेपी से जुड़े लोगों की है। और आप देखेंगे, मैं तो मुझे कई दफ़ा हैरानी होती है कि जैसे आते सुभाष बाबू का मामला उछला कि उनके सुभाष के पेपर्स निकलेंगे तो नेहरू उसमें क्या एक्सपोज हो जाएंगे, और हम सब ने देखा कि उसमें कुल मिला के सुभाष बाबू की ही कुछ कमजोरियाँ और जाहिर हुई जो पहले जाहिर थी, जबकि वो हमारे नायक हैं और साधारण नायक नहीं हैं। मुल्क में जो 3-4 बड़े नेता उस समय थे उसमें सुभाष बाबू एक हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी जानकारियाँ ले आके या निकलवाने की स्थिति बना के उनको कमज़ोर कर रहे हैं तो आप किसका काम कर रहे हैं ये आप सोचिए, क्योंकि सुभाष बाबू उसके बाद से तो कमज़ोर ही हुए हैं। मुझे लगता है अब ये सुभाष बाबू का कोई नाम नहीं लेता, उस समय तक लग रहा था कि सुभाष बाबू के कितना खुदाई हुई, कहाँ खजाना उनका छुपा है, गुमनामी बाबा, और ये सारा ड्रामा इसी मुल्क में हुआ है। तो ये सारा ड्रामा करके भी अगर उस नायक को आप नीचा कर रहे हैं, सावरकर को ही माफ़ी वाला पक्ष अगर छोड़ दीजिए, तो उसके पहले अगर ज़रूरत है भी तो उसके पहले के पक्ष को आप हाईलाइट करिए, तो वो काम उन्होंने किया। लेकिन एक ही आदमी को चुनने की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। गांधी आप भी उनको प्रतस्मरणीय मानते हैं, आप भी उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, सुभाष बाबू से सारी लड़ाई गांधी की हुई लेकिन राष्ट्रपिता सुभाष बाबू ने कहा, आप भी मानिए अगर आप उनके योगदान को मन से कबूल करते हैं कि गांधी ने ये मुल्क खड़ा किया, तो फिर आप वो जो दौर था आज़ादी के लिए आंदोलन का या देश में जो स्थिति थी, नरम दल भी काम कर रहा था, गरम दल अपने तरीके से काम कर रहा था, क्रांतिकारी अलग तरीके से काम करते थे, गांधी जी जो है वो सत्याग्रह के जरिए अलग दबाव बनाते थे, तो वो दोनों का परस्पर सामंजस्य तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग तरीके से आज़ादी के आंदोलन में रही। नहीं, लेकिन ये जो एक धारा है, जो लीग की कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट, ये मार्जिन पे थे ये सब लोग, लेकिन इनकी गतिविधि उल्टी थी, खुफियागिरी करना। कम्युनिस्टों की गतिविधि 42 में कम्युनिस्टों ने खुफियागिरी बड़े पैमाने पे की, तो अब उसको आप सैद्धांतिक जामा जो भी पहनाइए, लेकिन मुल्क के आज़ादी के इतिहास की जो सच्चाई है उसको कबूलिए, या तो आप इसको कबूलिए या फिर ये मानिए कि जो भी किया गया या जो वो कहते रहे, जैसे बंटवारे का सबसे पहला प्रस्ताव, सबसे पहला थ्योरेटिकल दर्शन सावरकर ने दिया कि दो कौम थ्योरी है, बाद में उसको लीग ने अपनाया, तो आप ये मानिए कि हम मानते हैं कि दो कौम है, एक कौम नहीं है, और जो CAB के जरिए आपने वो स्थापित कर दिया कि आप वो मान रहे हैं, तो या तो इसको कबूल करिए। ये पहली दफ़े है कि इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी और इतना ताकतवर लीडरशिप बीजेपी का, और उसने कोई काम किया और वो उल्टा कोट कर रहा है,
कि पाकिस्तान में ये संख्या है हिंदू में इतना, मुसलमान इतना, और हमारा सेकुलरिज्म जो है वो बहुत बढ़िया चलता रहा। अरे भाई, तो तुम सेकुलरिज्म कहाँ चला रहे हो? तुम अगर वही जो नेहरू की लाइन थी या तब वही सरकारों ने जो लाइन चलाई उसको मानते हो कि पाकिस्तान से बढ़िया चलाया, तो उसी को चलाओ, फिर बदलने की क्या ज़रूरत है? तो ये पहली दफ़े है कि सारी मेजॉरिटी और ताकत के बावजूद आप उल्टी चीज़ कबूल कर रहे हैं। ये तो मतलब एक तरीके से इसको कोशिश क्या कहें, गृहमंत्री अगर खुद सदन में ये कहते हैं कि इस बिल की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है कि भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था, ये कहने की ज़रूरत थी क्या इस बिल, मतलब इस बिल को जब पेश किया गया या जिस वक्त चर्चा चल रही थी उस वक्त देश के गृह मंत्री को इस बात की चर्चा करना कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, इस वजह से इस बिल की ज़रूरत आज पड़ रही है? दुनिया में सब जगह नागरिकता दी जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि हम पहली दफ़े कुछ ऐसा कर रहे हैं। आपको भी जिसको मन था उसको देते रहते, तो नागरिकता देना इशू नहीं है। असल में इशू उसको पॉलिटिकलाइज करना है और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है और उस कंस्टिट्यूएंसी को मजबूत करना है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो सरकार के दूसरे इलाकों के हैं वो आप दे नहीं पा रहे हैं, तो आपको रह रह के वही झुंझुना बजाना है जिस पे आपकी कंस्टिट्यूएंसी आपके साथ रहे, उसके अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं। तो ये विवाद का मसला सिर्फ फैसले से नहीं है, उस फैसले को प्रचारित करना और उससे उस बहस को जिंदा रखना है जिससे आपकी कंस्टिट्यूएंसी खुश रहे और उसको लगे कि आप बहुत बहादुरी का काम किए जा रहे हैं और आपने मुल्क का गौरव कोई बहुत उठा दिया। एक दिन में जापान से भी नाराज़गी की खबर आ रही है, यूरोप से भी नाराज़गी की खबर आ रही है, अमेरिका से भी नाराज़गी, जो आपको हर मसले पे सपोर्ट अब तक करते हैं, मैंने कई दफ़े लगता है कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे इनको, लेकिन अमेरिका ने हर मसले पे आपको सपोर्ट किया और जापान का प्रधानमंत्री आना रोक दे रहा है, आपको नॉर्थ ईस्ट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है सारी बहादुरी के बावजूद। तो इसलिए जो फैसले कर रहे हैं उसको गंभीरता से सोचिए कि वो मुल्क के फ़ायदे में कर रहे हैं या चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। और दुनिया में हर चीज़ चुनाव जीतने के, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसमें आप चुनाव हार के भी बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। एक बार फिर मैं आपको मोड़ के लाऊंगा दर्शकों के लिए सावरकर की उस कहानी की तरफ जिसकी वजह से सावरकर के माफीनामे का जिक्र हो रहा है। किस मामले को लेकर के सावरकर ने माफ़ी मांगी थी अंग्रेजों से? सावरकर पे एक नहीं कई मामले थे और सावरकर ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी आज़ादी की लड़ाई में और क्रांतिकारियों के साथ खड़े होकर, उनका दावा था कि वो कुछ क्रांतिकारी तैयार, कभी सामने से सावरकर ने काम नहीं किया, लेकिन पीछे से संगठन बनाने का और थ्योरेटिशियन उसका बने रहने का ये शौक एक तरह से उनको था। तो विदेश में रहे तब भी, देश में आए तब भी, वो ऐसे लोग तैयार हों, तो कई सारे क्रांतिकारियों से भी उनके रिश्ते जुड़ते हैं क्योंकि वो उनके आर्म्स का इंतजाम करना, उनके हथियार का इंतजाम करना। अच्छा, ये सावरकर ने अकेले नहीं किया, इस मुल्क में सैकड़ों लोग, हजारों लोग हैं ऐसे गृहस्थ हैं जिनको कोई मतलब इस लड़ाई से और इस तरह की लड़ाई, उनको लगा कि नहीं मुल्क के लिए लड़ने वाला कोई आया है, वो छुपना चाहता है तो हम अपने यहाँ छुपा लेंगे, भले उसका रिस्क था। तो सावरकर ने प्रेरणा से किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि सामान्य जिम्मेवारी है, उन्होंने वो किया होगा, लेकिन जब वो पकड़े गए जेल में रहे तो जो भागे वो तो और भी माना जाता है कि वो पखाना के रास्ते से भागे, जो पाइप होता है उधर उससे भागे और फिर बाहर निकले संजोग से वहीं पकड़े गए, तो वो सब अपनी जगह कर, जान बचाने के लिए आप करिए, मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं कि अगर आपकी जान जाने वाली हो और आपको लगे कि जान बचाना एक बड़ा काम तो आप करिए, लेकिन उसके बाद फिर ये कि आप ही मुल्क के सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं और आप ही क्रांति कर रहे हैं और आप ही, क्योंकि वो सारी चीज़ें बाद में जाके अंग्रेज़ी हुकूमत के एजेंडे से मेल खा जाती हैं, जो जो वो चाहते हैं लगभग वही चीज़ें हो रही हैं। और ये 30 के बाद का ही जो मैं फेज गिना रहा था ये उसी में होता है, 42 में भी होता है, बंटवारे के समय भी होता है, गांधी की मौत पे भी होता है, और आप उस सब में कहीं ना कहीं हैं और आप पर्दे के पीछे ही हैं, तो ये आपका रोल फिर आपको नायक नहीं बनने देता। और मुल्क में नायकों की कमी नहीं है, कम से कम हमारे आज़ादी की लड़ाई में जिसमें एक दफ़े नहीं कम से कम दसियों बार देश में जितनी जेलें हैं वो कम पड़ गई, क्योंकि इतने लोग अरेस्ट हो गए, इतने लोग मरे, इतने लोग, इतनी औरतें, दुनिया के किसी आंदोलन में इतनी औरतों की हिस्सेदारी नहीं है जितनी, तो हमको नायक की कमी नहीं है, बल्कि हम तो उस युग की कहानी सुना के अब ये चाहते हैं कि कुछ नायक वैसे बने कुछ हम, क्योंकि हमारे पास वो भरे हुए लोग हैं, जो भी पढ़ लिख ले रहा है, जिसको भी अकल हो रही है वो अपनी सब परवाह छोड़ के आंदोलन में जुट जा रहा है। तो आपको नायक की कमी नहीं है कि हाफ आधा नायक चाहे जो विलन जैसा हो उसको नायक बनाए, उसको असल में अभी की पॉलिटिक्स के लिए आपकी ज़रूरत है, मुल्क के लिए या आज़ादी की लड़ाई के लिए ऐसे नायक की ज़रूरत नहीं। तो ये थी सावरकर की वो कहानी, वीर सावरकर की वो कहानी जो अरविंद जी ने हमें बताई,
और ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी था, आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि राहुल गांधी बार बार यही कह रहे हैं कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी हूँ, इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो क्या थी ये माफ़ीनामे की कहानी सावरकर की, ये आप तक पहुँचाना जरूरी था। और दूसरी बात कि राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लेकर के एक तीर से दो निशाने साधे हैं, सावरकर की बात जनता तक पहुंचे और लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करें और लगे हाथ मोदी पर भी उनका सीधे सीधे निशाना अंग्रेजी हुकूमत से करके उन्होंने लगाया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।